हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड फॉर्म कैसे भरें। अगर आप भी अपना डेबिट कार्ड फॉर्म भरना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के, तो आप खुद से कैसे भरेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इसमें सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी वर्ड इसमें आप लिखिएगा तो वो वर्ड दोस्तों यहाँ पर फाइनली कैपिटल लेटर में कुछ इस प्रकार रहना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपली इसमें आपको सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ब्रांच का नाम होगा वो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है। ब्रांच का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्रांच कोड है वो सिंपली आपको इसमें लिखना है। अगर दोस्तों अगर आपको ब्रांच कोड मालूम है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। छोड़ने के बाद सिंपली इसमें आपसे पूछ रहा है कि डेट ऑफ अप्लीकेशन है। अगर आप जिस दिन भी ATM कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं वो डेट सिंपली आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों इसमें आपको अपना नाम है वो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम पूछ रहा है, फादर का नाम, तो वो फादर का नाम है सिंपली आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको इसमें करना क्या है कि उसी के नीचे में इस वाले बॉक्स में आपको अपना नाम है वो सिंपली यहाँ पर फाइनली इस प्रकार स्पेस दे के यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस का डिटेल पूछ रहा था। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस का डिटेल में आपको ए और बी दोनों में दोस्तों आपके आधार कार्ड के अनुसार सिंपली आपको इसमें एड्रेस है आपको लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपसे आपका अपना पिन कोड पूछ रहा है, तो सिंपली इसमें आपको अपना पिन कोड है वो सिंपली इसमें आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो सिंपली आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर वो है आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टेलीफोन नंबर, तो अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो लिख सकते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको अपना ईमेल आई डी है वो सिंपली आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद सिंपली इसको डाउन करके आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइमरी अकाउंट में यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद इसमें आपको कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका बैंक अकाउंट किस कैटेगरी का है, तो सिंपली आपको इसमें अपना सेविंग बैंक यहाँ पर आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे सब टाइप पूछ रहा है कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग है, तो जैसे कि दोस्तों हमारा सेविंग अकाउंट है तो सिंपली हमको इसमें सेविंग लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर है वो सिंपली आपको लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको इसको डाउन करके आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद इसमें आपको अपना नॉमिनी का डिटेल में दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको लिखना है। दोस्तों जैसे कि हम नॉमिनी में हम अपने फादर का नाम दिए हैं तो सिंपली हमको इसमें आपको हमारा फादर का नाम है वो एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेशनशिप यानी कि आपके रिलेशनशिप में कौन लगते हैं जो जिसको आप नॉमिनी में नाम दिए हैं। जैसे कि दोस्तों अपने फादर का नाम दिया तो सिंपली हमको यहाँ पर फादर लगते हैं, तो सिंपली हमको फादर यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है कि नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों इस वाले बॉक्स में आपको अपना नाम है वो सिंपली आपको इसमें लिखना है। लिखने के बाद इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, इसमें आपको अपना ईमेल आईडी वो सिंपली आपको लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके डायरेक्ट नीचे आना। नीचे आने के बाद इसमें आपको अपना डेट यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पैलेस में डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो सिंपली आपको इसमें एंटर करने के बाद दोस्तों इसमें आपको अपना सिग्नेचर फर्स्ट और सेकंड दोनों सिग्नेचर यहाँ पर आपको करके ब्रांच में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका ATM कार्ड फाइनली मिल जाएगा।